हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू फिक्स स्टक ऑन फास्ट फूड प्रॉब्लम। अचानक हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर फास्ट फूड का लोगो आया है, तब से लेकर मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तो इसे ठीक कैसे करें? कई बार सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रैश होने के कारण या मोबाइल में वॉल्यूम डाउन और पावर की बटन एक साथ होल्ड होने की वजह से फास्ट फूड का लोगो आ जाते हैं। इसे आप दो तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट करके 10 मिनट तक चार्ज करना होगा। 10 मिनट बाद चार्जिंग पर होते हुए इस फोन को फोर्सफुली रिस्टार्ट करना पड़ेगा। फोन को फोर्सफुली रिस्टार्ट मारने के लिए पावर बटन को 12 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। उसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी का लोगो आएगा, तब पावर बटन से अपना हाथ हटा लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होना शुरू हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रोसीजर को फॉलो करने से आपका जो समस्या था वो ठीक हो गया है। अब मैं आपको सेकेंड तरीका बता देता हूँ। सेकेंड स्टेप में आप उसी तरीके से पावर बटन एंड वॉल्यूम प्लस बटन को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। जब स्क्रीन पर MIUI का लोगो आएगा तब उन दोनों बटन से अपना हाथ हटा लेना। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसी इंटरफेस में हमारे मोबाइल का टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। यहाँ पे किसी भी सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम की का यूज़ करना होगा। यहाँ पे रिबूट ऑप्शन सिलेक्टेड है। अब पावर बटन को एक बार प्रेस कीजिए। उसके बाद रिबूट टू सिस्टम का ऑप्शन आएगा। अब फिर से हम एक बार पावर बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद मोबाइल बंद के ऑटोमेटिक रिबूट होना शुरू हो जाएगा और आपका जो समस्या था वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।